आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आटे के हलवे की रेसिपी, जिसे मैं आपको सही माप के साथ बनाना बताऊँगी, जिससे कि हलवा जो है बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और इसे खाकर हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिल्पा और मेरी किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना कोई देरी के इस आटे के हलवे की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आटे का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लोहे की कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हम 4 बड़ा चम्मच देसी घी ले लेंगे। यहाँ पर हम 1 कप आटे का यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 4 बड़ा चम्मच देसी घी लिया है। घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा हम इसमें आटा डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घी जो है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें 1 कप के करीब आटा डाल देंगे। आटा डालने के बाद गैस की फ्लेम जो है वो बिल्कुल ही लो कर देंगे और लो फ्लेम पर कंटिन्यू ऐसे आटे को हमें चलाते हुए अच्छी तरीके से भून लेना है। आटे की भुनाई हमें तब तक करनी है जब तक कि इसमें से हल्की सी खुशबू आने ना लग जाए, तब तक हमें भुनना है, या फिर इसका जो कलर है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा तब तक हमें इसे भुनना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आटे में जो है वो गुठलियाँ पड़ गई हैं। करछी से चलाते हुए सारी गुठलियों को हमें एक समान कर लेना है, मतलब इसे फोड़कर अच्छी तरीके से एक समान कर लेना है। अगर इसमें गुठलियाँ रह जाएंगी तो जो गुठलियाँ रहेंगी उसके अंदर का आटा जो है वो कच्चा ही रह जाएगा और वो अच्छी तरीके से पकेगा नहीं, जिसकी वजह से हलवा जो है वो खाने में कच्चा लगेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, इसे ऐसे कंटिन्यू चलाते रहें। अगर आप आटे का हलवा जो है वो लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो इससे इसका रिजल्ट जो है आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, या फिर आपके पास जो कढ़ाई है आप उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन अगर इस कढ़ाई में बनाएंगे तो इसका स्वाद जो है थोड़ा सा अलग आएगा। यहाँ पर गैस की फ्लेम जो है वो बिल्कुल ही लो रखें, हाई बिल्कुल भी नहीं करें। क्या होता है कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो गैस की फ्लेम थोड़ा बढ़ा देते हैं जल्दी बनाने के चक्कर में, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी करेंगे तो हलवा जो है वो इतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इसे धीरे धीरे भूनते हुए चलाते हुए पकाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिनट भुनने के बाद हलवे का जो कलर है, मतलब हमारे जो आटे का कलर है, उसका कलर चेंज हो गया है और इसका कलर पहले से काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, अभी हल्का ही है। अभी हम इसे 4 से 5 मिनट और भूनेंगे जब तक इसका जो कलर है थोड़ा सा और चेंज ना हो जाए, तब तक हमें इसे भूनना है। अगर आपको आज की हमारी यह आटे के हलवे की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आपने एक बार इस तरीके से आटे का हलवा बना लिया तो बाकी सारे हलवे भी खाना भूल जाएंगे, क्योंकि यह हलवा जो है वो बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इसके आगे सारे हलवे जो है वो फीके लगेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आटे को भूनते हुए हमें काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है और इसका कलर जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। यहाँ पर आटे की भुनाई जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई है और इसमें से खुशबू भी सौंधी सौंधी आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस स्टेज पर कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ काजू और बादाम डाला है, इसे भी इसी के साथ मिला लेंगे। इसी के साथ हम थोड़ा इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर इलायची पाउडर बाद में भी ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर पहले ही ऐड कर लिया है। 1/4 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर डाल दिया है फ्लेवर के लिए। इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इसी के साथ हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप चाहे तो पानी डालने के बाद भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पहले ऐड करेंगे तो आटे में जो है वो गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। चीनी डालने के पहले हमें आटे को 1-2 मिनट के लिए भून लेना है, क्योंकि हमने जो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले हैं उसे भी पका लेना है। तो 1-2 मिनट के लिए ही भुने, उससे ज़्यादा समय के लिए उसे आप नहीं भूलें, नहीं तो आटा जो है वो जल भी सकता है। तो अब हम इस स्टेज पर इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी आप अपने यहाँ पर मिठास के अनुसार ऐड कर लें, या फिर आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर चीनी ऐड कर लें। मैंने यहाँ पर 1/4 कप के करीब चीनी डाला है। चीनी डालने के बाद एक बार सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे।
उसके बाद अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी मैंने यहाँ पे 1/4 कप के करीब डाला है। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हम यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर देंगे तो हलवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप के करीब पानी डाला है। पानी डालने के बाद तुरंत ही हमें इसे चलाने लगना है। चलाना हमें यहाँ पे बंद नहीं करना है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ जो है वो बहुत ही जल्दी पड़ जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने पानी डाला हलवा जो है वो सूख गया। यहाँ पर आप ये नहीं सोचे कि हमने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल जो है वो कम किया है तो हलवा जो है हमारा कच्चा रह जाएगा। हलवा आपका कच्चा नहीं रहेगा, क्योंकि आटे की भुनाई हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से कर ली है और इसमें घी की मात्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे जैसे हलवा को हम पकाएंगे इसमें से घी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे ऐसे कंटिन्यू करछी से चलाते रहें। यहाँ पे आप देख सकते हैं हलवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से बन गया है और इसमें से खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही है। इसे आप गर्मा गर्म खाएँ, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। पानी डालने के बाद लगभग 3 से 4 मिनट के लिए मैंने हलवे को और भी अच्छी तरीके से पकाया, क्योंकि इसमें से जो घी है वो थोड़ा थोड़ा छोड़ेगा, तभी हमारा जो हलवा है वो खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो आटे का हलवा है वो कढ़ाई में से निकलना मतलब छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं हलवे में से घी छोड़ना अलग हो गया है। तो इसी स्टेज पर हम क्या करेंगे कि गैस की फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और ले चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे आटे का हमारा जो हलवा है वो बन के बिल्कुल ही रेडी है। फटाफट से इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। आज की हमारी यह आटे के हलवे की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।